दोस्तों थेवेनिन थ्योरम पे एग्जांपल नंबर 15 है, फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इन फिगर 15.2 टू द लेफ्ट ऑफ द टर्मिनल्स। ये टर्मिनल्स ए बी, तो हमें क्या है, ए बी के अक्रॉस जो लेफ्ट सर्किट है उसके क्या लिखना है, जो है फाइंड करना है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो ड्रा कर लेते हैं, ए और बी, यह आर टी एच और यह वी टी एच बराबर वी ओ सी। तो ए और बी के क्रॉस ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होगा, जिसमें वी टी एच बराबर वी ओ सी विद सीरीज आर टी एच रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम वी टी एच फाइंड करेंगे इस सर्किट का। स्टेप फर्स्ट में वी टी एच बराबर वी ओ सी, तो इसके लिए सर्किट है, तो यह क्या है, ए बी टर्मिनल बी ओ सी मेजर करेंगे, तो इसके लिए सर्किट ड्रा कर लेते हैं। तो ये जो सर्किटरी है, तो इसमें क्या है, बी ओ सी मेजर करेंगे ए और बी के टर्मिनल के बीच। तो देखिए इस वाले टर्मिनल, ये वाले जो है, इसमें क्या करंट जाएगी हमारा, वो जीरो होगी। तो हम बी ओ सी फाइंड करने के लिए ये करंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, सॉरी करंट कंट्रोल करंट सोर्स है, तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज मान लेते हैं V1। तो VOC के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो करंट जाएगी वो कौन सी, इस पर KCL लगा देंगे तो इसमें करंट कौन सी जाएगी, IX जाएगी, यही वाली करंट इसमें फ्लो करेगी, क्योंकि ये क्या है जीरो, तो इसके साथ क्या आएगी, IX प्लस जीरो हो जाएगी। तो हमने इसको क्या मान लेंगे IX, तो VOC बराबर जो हो जाएगा हमारा वो 4 IX, तो VOC बराबर 4 IX। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। तो इसमें क्या है, KVL लगा देते हैं इस वाले आउटर वाले रूप में, इसमें वाले में जो करंट, देखिए इसमें लगाते हैं KVL, तो ये प्लस माइनस, तो माइनस का V1 प्लस का 3 IX प्लस का 4 IX बराबर जीरो। तो ये V1 बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 7 IX। इसे इक्वेशन हम सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पे करंट क्या मेजर कर लेते हैं, इसमें करंट क्या जा रही, आई जा रही ये प्लस और माइनस, तो हम इसमें जो है एक KVL लगाएंगे। तो देखिए माइनस का 6 प्लस का 5 I प्लस का V1 बराबर जीरो। तो V1 बराबर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 6 माइनस का 5 I, ये था। और हमें I निकालना और V1, एक्चुअली हमें IX की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I इन टर्म्स ऑफ IX निकालना, तो देखिए यहाँ पे कोई नोड मान लेते 1, तो KCL एट नोड 1, तो इस पर लगाएंगे। देखिए ये I इधर जा रही है, ये दोनों करंट जा रहे हैं ठीक इस नोट पर, और ये क्या है बाहर जा रहे हैं, तो I प्लस का 1.5 IX बराबर IX, तो IX बराबर, सॉरी ये I बराबर IX माइनस का 1.5 IX, तो ये माइनस का 0.5 IX। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, IX की इक्वेशन थर्ड में रख देंगे I की वैल्यू, तो V1 बराबर 6 माइनस का 5 माइनस का 0.5 IX, तो ये जो है 6 प्लस का 2.5 IX। तो इसे इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। हमारे पास V1, तो V1 बराबर यहाँ पर क्या है 7 IX, क्योंकि हमें IX की ही वैल्यू फाइंड करनी है जिससे हमारा VOC निकल कर आ जाए, तो यहाँ रख देते हैं, तो 7 IX बराबर 6 प्लस 2.5 IX, इसको इधर ले आते हैं, तो 7 IX माइनस का 2.5 IX बराबर 6। तो इसमें ये
आई एक्स 7 माइनस 2.5 बराबर 6, तो आई एक्स इसमें बचेगा 0.5 और ये 4 बराबर 6, तो आई एक्स बराबर 6/4.5 ये 12, ये 9, 4 और ये 3, तो 4/3 एम्पियर। तो फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं वैल्यू, तो वी ओ सी बराबर 4 × 4/3 बराबर 16/3 वोल्ट और ये दशमलव में आएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 5.33 वोल्ट। तो एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली VTH, तो VTH बराबर VOC बराबर 5.33 वोल्ट। अब हम फाइंड करेंगे RTH, तो RTH हम दो तरीके से फाइंड करेंगे, तो RTH जो है इस वाले फार्मूले से निकालेंगे, RTH बराबर VOC अपॉन ISC, तो VOC हमने निकाल लिया, अब हम ISC निकालेंगे शॉर्ट सर्किट करंट AB टर्मिनल के क्रॉस। तो इसके लिए हम सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, तो देखिए हमने क्या AB को शॉर्ट कर दिया, तो ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा VAB वो क्या हो जाएगा 0, तो देखिए इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगी तो ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो इसको जो है रिएक्टेंस सर्किट ड्रा कर लेते हैं, प्लस माइनस 6 वोल्ट 5 ओम करंट कंट्रोल सोर्स 3 ओम, इसमें आई एक्स जा रही और ये आई एस सी ए बी टर्मिनल और यहाँ क्या है ये वी ए बी बराबर 0 है, ये 1.5 आई एक्स है, तो इसमें हमने वोल्टेज माना था क्रॉस बी वन और ये नोट वन और इसमें करंट क्या माने थे हमने आई फ्लो कर। तो देखिए इस पर अगर हम जंक्शन जो है नोट ए पे लगाते हैं KCL, तो आई एक्स बराबर क्या हो जाएगा आई नोट KCL एट नोट ए, तो इस पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आई एक्स बराबर आई एस सी, तो इसमें जो है KVL लगा देते हैं आउटर लूप में, तो देखिए माइनस का वी वन प्लस का 3 आई एक्स प्लस का इसके क्रॉस 0 बराबर 0, तो वी वन बराबर 3 आई एक्स, तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा 3 आई एस सी, तो इसे इक्वेशन फर्स्ट इसे सेकेंड, तो इसमें लगा देते KVL पहले वाले लूप में, इसमें देखिए माइनस का 6 प्लस का 5i प्लस का V1 बराबर 0, तो V1 बराबर 6 माइनस का 5i, इस पर KCL लगाएंगे नोड A KCL KCL एट नोड वन, तो आई प्लस का 1.5 आई एक्स बराबर आई एक्स, तो आई बराबर आई एक्स माइनस का 1.5 आई एक्स, तो आई बराबर ये माइनस का 0.5 आई एक्स, चूँकि आई एक्स बराबर क्या आई एस सी, तो आई बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 0.5 आई एस सी, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो वी वन बराबर 6 माइनस का 5 इंटू माइनस का 0.5 आई एस सी, तो ये आ जाएगा 6 प्लस का 2.5 आई एस सी, ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड और ये हो जाएगी फोर्थ। तो वी वन की वैल्यू ये रख देते हैं आई एस सी की टर्म, तो 3 आई एस सी बराबर 6 प्लस 2.5 आई एस सी, इधर आ जाएगा ये 3 आई एस सी माइनस का 2.5 आई एस सी बराबर 6, तो 0.5 आई एस सी बराबर 6,
आई एस सी बराबर 6/0.5 12, तो ये 12 एम्पियर शॉर्ट सर्किट करंट आ गई हमारी 12 एम्पियर। तो आर टी एच बराबर वी ओ सी अपॉन आई एस सी, तो वी ओ सी आया था 16/3/12, तो 16/3 × 1/12, तो ये 4 बार जाएगा और ये 3, ये 4/9 ओम। तो आर टी एच बराबर 4/9 ओम या 0.44 ओम। आर टी एच की वैल्यू एक मेथड से ये आ गई। अब हम सेकेंड वाले मेथड से फाइंड करेंगे।